हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रोल ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ, मेनली प्रोडक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्ट। ये दो ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या है। एट फर्स्ट है प्रोडक्टिव रोल, सभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दूसरा है प्रोटेक्टिव रोल, ठीक है। तो प्रोडक्टिव रोल के अंदर मेनली क्या है, जो प्रोडक्ट वो हमें देता है मेनली वही है प्रोडक्टिव रोल। जैसे फूड प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल, शेल्टर, क्लोथिंग, टिम्बर, इंडस्ट्रियल वुड, NTFP मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सब जो है प्रोडक्टिव रोल है। एंड प्रोटेक्टिव रोल के अंदर कैसे फॉरेस्ट हमको प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें क्या है, क्लाइमेट एमेलियोरेशन, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड अर्थ एयर प्यूरिफायर, ये सभी है ये फॉरेस्ट। तो प्रोडक्टिव रोल मेनली क्या क्या वो हमें देते हैं, फॉरेस्ट से हम लेते हैं हमारे काम के लिए, यूज़ के लिए। एंड प्रोटेक्टिव रोल में है क्लाइमेट एमेलियोरेशन, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मतलब कैसे वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोडक्टिव रोल में है फॉरेस्ट प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट अबाउट 1% ऑफ वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट है उनमें 1% फॉरेस्ट ही प्रोड्यूस करते हैं। एनुअल टर्नओवर ऑफ टिम्बर एंड अदर वुड प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट इज वैल्यूड एट मोर देन $200 billion। तो इतना वैल्यूएबल मतलब टिम्बर एंड वुड हम फॉरेस्ट से एनुअली लेते हैं, मतलब फॉरेस्ट हमें देता है। डिमांड फॉर कमर्शियल टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट इज एवर इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली कमर्शियल टिम्बर एंड अदर जो जो सब प्रोडक्ट है फॉरेस्ट से आते हैं उनका डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। नॉन टिम्बर प्रोडक्ट के अंदर मेनली क्या क्या है, जैसे रबर, मेडिसिनल प्रोडक्ट, फूड, ऑल रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉन टिम्बर जो सब प्रोडक्ट है। तो फॉरेस्ट से एक तो टिम्बर, वुड, ये सब मिलता है, और एक है नॉन टिम्बर प्रोडक्ट जिसके अंदर ये सब है, रबर, मेडिसिनल, मेनली मेडिसिन के लिए जरूरी जो सब चीज़ें हैं वो फॉरेस्ट से आते हैं। तो ये सब का वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो फॉरेस्ट से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लेते हैं फॉरेस्ट से, तो ये एक प्रोडक्टिव रोल है फॉरेस्ट का। फूड में क्या क्या हम फॉरेस्ट से लेते हैं, जैसे राइजोम रूट एंड एरियल, जो फॉरेस्ट जो ट्री है उसका, बहुत सारे ऐसे ट्री है जिसका रूट भी हम एज ए फूड लेते हैं, बार्ड्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड, स्टेम, ये सभी हम एज ए फूड यूज़ करते हैं जो फॉरेस्ट से मिलता है। नेक्स्ट क्या है, फ्यूल। वुड इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर अंटिल द एडवेंट ऑफ कोल, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। तो ये सब आने से पहले, जैसे कोल, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आने से पहले से ही ये वुड जो है एज ए फ्यूल यूज होता था। तो अब सभी को पता है कि वुड एज ए फ्यूल तो हमारे पूरे इंडिया में यूज होता ही है, तो फ्यूल के लिए वुड बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन टूडे मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वर्ल्ड कंजम्पशन ऑफ वुड इज फॉर फ्यूल वुड। ऑब्वियसली अभी भी क्या है, पहले भी तो ये था ही, जब कोल, ऑयल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं था तब तो वुड एज ए फ्यूल ही यूज होता था, बट अभी भी हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये फ्यूल वुड को एज ए फ्यूल ही यूज करते हैं। जब तक कोल, ऑयल, गैस ये सब आ गए हैं तब भी वुड एज ए फ्यूल यूज होता है। वुड रिमेन द मेजर सोर्स ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडिया। डोमेस्टिक फ्यूल के लिए वुड यूज होता है, लोग घर में खाना बनाने के लिए वुड यूज कर, मोस्टली रूरल एरिया में ये वुड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज होता है। रूरल फैमिलीज स्पेंड सो मेनी आवर्स इन कलेक्टिंग फायर वुड। तो जो फॉरेस्ट के साइड में रहते हैं ऐसे ट्राइबल पीपल, बहुत रूरल जो फैमिलीज है वो सब बहुत टाइम लेके ये वुड जो है फॉर फ्यूल कलेक्ट करते हैं। तो फ्यूल के लिए वुड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने देख लिया कहाँ कहाँ पे फ्यूल के लिए यूज़ होता है। मेनली इंडिया में डोमेस्टिक वर्क के लिए फ्यूल एज ए फ्यूल ये यूज़ होता है। शेल्टर में क्या है, वुड इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ऑब्वियसली बिल्डिंग बनाने के लिए वुड यूज़ होता है, जैसे पालमायरा, टीक, जैक, ये सब है। क्लोथिंग, रेयन क्लोथ मेनली फॉरेस्ट से बनता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से हम जो क्लोथिंग, रेयन क्लोथ जो हम पहनते हैं वो बनता है। नेक्स्ट है टिम्बर। टिम्बर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो फॉरेस्ट से मिलते हैं एंड ये बहुत सारे काम के लिए यूज होता है, जैसे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड यूज एक्सटेंसिवली। तो ये है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हम लेते हैं फॉरेस्ट से वो है टिम्बर। यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ऑब्वियसली हाउस बनाने के लिए यूज होता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे चीज़
हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट वगैरह, तो वो भी बनाने के लिए टिम्बर यूज़ होता है, ब्रिज बनाने के लिए, स्लीपर जो होता है ट्रेन में कोचेस वगैरह ये सब बनाने के लिए टिम्बर यूज़ होता है। मोर देन 1500 स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर कॉमर्शियली एक्सप्लॉयटेड फॉर टिम्बर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से इतने सारे टिम्बर हम कलेक्ट करते हैं जिससे 1500 स्पीसीज हर मतलब ईयरली यहाँ से एक्सप्लॉयट हो जाता है टिम्बर कलेक्ट करने के वजह से, क्योंकि पेड़ काट के ही हम वो यूज़ करते हैं, तो इसके वजह से ये सब स्पीसीज जो है वो एक्सप्लॉयट हो रहा है, वैनिश हो रहा है। यूज्ड इन टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज प्लाईवुड, सॉ माइलिंग, पेपर पल्प, पार्टिकल बोर्ड, ये सब काम के लिए भी टिम्बर यूज़ होता है, जैसे पेपर पल्प, पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड, सॉ माइलिंग, ये सब काम के लिए भी ये जो टिम्बर जो है वो यूज होता है। तो इम्पॉर्टेंट टिम्बर में क्या क्या है, जैसे टीक, साल, डियोडर, बाबुल, सीसो, एरिना, रोजवुड आर द वैल्यूएबल टिम्बर। तो ये सब इम्पॉर्टेंट टिम्बर है जिससे हम बहुत सारे काम करते हैं, मतलब ये सब काम में ये सब टिम्बर जो है ये यूज होता है। तो टिम्बर मेनली एक मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है एंड ये बहुत सारे काम के लिए यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, स्लीपर, ब्रिज और भी बहुत सारे चीज़ें, एंड पेपर पल्प बनाने के लिए, पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड, ये सब बनाने के लिए भी टिम्बर हम यूज़ करते हैं। तो वैल्यूएबल टिम्बर के अंदर क्या क्या है, टीक, साल, दियोदर, बाबुल, सीसो, एरिनो, रोजवुड, ये सब है वैल्यूएबल टिम्बर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वुड। तो इंडस्ट्री के पर्पस हम कैसे वुड को यूज़ करते हैं, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल टू लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो फॉरेस्ट से हम बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो हम फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करते हैं, जैसे पेपर पल्प, प्लाईवुड एंड अदर बोर्ड्स बनाने के लिए, पैकिंग केसेस बनाने के लिए, मैचेस, टॉयस, ये सब बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करते हैं। तो पेपर एंड पल्प के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे बाम्बोस, यूकेलिप्टस, कैसुअरिना, ये सब जो वुड होता है वो हम पेपर एंड पल्प बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्लाईवुड बनाने के लिए टीक, रोजवुड, टर्मिनालिया, ये सब यूज़ करते हैं। पैकिंग केसेस के लिए सिल्वर ओक, पाइनस, एसपी, फिर ये सब हम यूज़ करते हैं। मैच बॉक्स के लिए एरिना, रेड सैंडर्स, रोजवुड, ये सब जो वुड होता है ये हम यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री पर्पस जो रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसके लिए रॉ मटेरियल आते हैं फ्रॉम फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है NTFP, मतलब नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इनमें क्या क्या है, फाइबर एंड फ्लॉसेस। फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम द बेस्ट टिश्यू ऑफ सर्टेन वुडी प्लांट व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स। तो रोप्स बनाने के लिए भी जो चीज़ हम यूज करते हैं वो भी फॉरेस्ट से आता है। फ्लॉसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम साइबिया पेटनटंड्रा एंड फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सीसालाना, स्टारकुलिया, यूरेनस, ये सब जो वुड है, मतलब ये सब जो पेड़ होता है, ट्री होता है जो फॉरेस्ट में होता है उससे ही हम कलेक्ट करते हैं ये बनाने के लिए। तो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे टिम्बर, वुड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ही जो फॉरेस्ट से हम कलेक्ट करते हैं। नॉन टिम्बर में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे फाइबर एंड फ्लॉसेस, इनमें भी रोप बनाने के लिए, जो रोप तो बहुत सारे काम के आते हैं, तो वो बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल हम फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रासेस एंड बाम्बू। ग्रासेस एंड बाम्बू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज वैरायटी ऑफ ग्रासेस आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे वैरायटी के ग्रासेस फॉरेस्ट में मिलते हैं। 30% ऑफ 416 million लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन ग्रेज इन द फॉरेस्ट। तो ग्रेजिंग के लिए भी हम फॉरेस्ट को यूज करते हैं। वैल्यूएबल ग्रासेस आर साबाई इन हार्वेस्टेड एनुअली 6.5 million टॉन्स एंड 80,000 टॉन्स ऑफ बाम्बू आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एवरी ईयर। तो ऐसे वैल्यूएबल जो सब ग्रासेस होता है, जैसे साबाई, ये भी एनुअली 6.5 million टॉन्स हम फॉरेस्ट से ही लेते हैं एंड 80,000 टॉन्स ऑफ बाम्बू भी हम फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करते हैं। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट ग्रासेस है, ग्रासेस एंड बाम्बू, ये सब है जो हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑयल। इंडिया प्रोड्यूस्ड अबाउट 1500 टॉन्स ऑफ एसेंशियल ऑयल ड्यूरिंग 1980, वाज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग सोप, डिटर्जेंट एंड केमिकल। ये सब बनाने के लिए जो एसेंशियल ऑयल हम यूज़ करते हैं वो भी हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। तो मेनली यूकेलिप्टस, बार्सेरा, सिम्बोपोगन, ये सब जो
पेड़ होता है, ट्री होता है, इनसे ही हम ये एसेंशियल ऑयल बनाने का जो चीज़ होता है वो हम इनसे ही कलेक्ट करते हैं। जैसे ये मेनली क्या क्या बनाने के काम आते हैं, जैसे सोप, डिटर्जेंट, केमिकल, ये सब बनाने के पर्पस हम ये एसेंशियल ऑयल यूज़ करते हैं। तो ग्रासेस एंड बाम्बू ये भी बहुत टाइप का है जो फॉरेस्ट से मिलता है, एंड एसेंशियल ऑयल बनाने के लिए जो सब चीज़ें हैं वो भी हम फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ऑयल सीड। मेनी ट्री स्पीसीज ऑफ माधुका इंडिका, पोंगामिया, पिन्नाटा, वटेरिया इंडिका प्रोड्यूस ऑयल बियरिंग सीड विच आर कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट। तो ऑयल बियरिंग सीड जो होता है वो भी हम फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करते हैं। ये सब जो स्पीसीज है, ट्री स्पीसीज है, इनसे ही मेनली हम ऑयल सीड जो है यूज कलेक्ट करते हैं। Presently this seed is used in soap industry, mainly ये soap industry में use होता है। About 1 million tons of oil produce every year from forestry seed। तो forestry का जो seeds है पेड़ का, तो उनसे 1 million ton तक oil हम produce करते हैं every year। हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। तो ऑयल सीड जो मेनली यूज होता है सोप इंडस्ट्री में, जो ट्री स्पीसीज है, ट्री सीड है, ये सब जो यहाँ पे हमने बोला है, ये सब ट्री का जो सीड है उनसे हम ये ऑयल कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, गम्स एंड रेजिन्स। गम्स बनाने के लिए, रेजिन्स बनाने के लिए जो सब चीज़ें हैं वो भी हम फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं, मेनली द बार्क और द वुड। तो ट्री का जो बार्क होता है उनसे हम ये बनाते हैं। जो गम्स बनाने के लिए स्टारकुलिया यूरेनस, ये ट्री से हम कलेक्ट करते हैं। पाइनस रॉक्स बर्गिल, इससे हम रेजिन्स बनाते हैं। ड्रग्स, स्पाइसेस, इंसेक्टिसाइड, ये भी हम फॉरेस्ट से ही बनाते हैं। ड्रग्स बनाने के लिए जो सब चीज़ें ज़रूरी होता है वो हम ट्री से कलेक्ट करते हैं। वो कौन कौन सा ट्री है, जैसे रॉवोल्फिया, सार्पेंटिना, एट्रोपा एसपी, डाटूरा आइनोक्सिया, ये सब जो ट्री स्पीसीज है इनसे हम ड्रग बनाते हैं। स्पाइसेस जो है हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो भी हम फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करते हैं। जैसे कारम कारवी, सीड्स ऑफ कारम कारवी, बार्क ऑफ सिनोमोमम ज़ेलानिकम, इनसे हम जो इनका जो बार्क है उनसे हम ये स्पाइसेस बनाते हैं। इंसेक्टिसाइड जो हम एग्रीकल्चरल पर्पस यूज करते हैं वो भी हम फॉरेस्ट से ही कलेक्ट करके बनाते हैं। जैसे पायरेथम एंड नीम, ये सब जो पेड़ है, ट्री है, इनसे हम इंसेक्टिसाइड्स भी बनाते हैं। तो गम्स, रेजिन्स, ये बनाने के लिए भी हम चीज़ें फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। कौन कौन से ट्री से वो बनता है वो हमने यहाँ पे दे दिया। ड्रग्स, स्पाइसेस, इंसेक्टिसाइड्स, ये भी कौन कौन से स्पीस से ट्री से बनते हैं वो भी हमने यहाँ पे दे दिया। तेंदू एंड अदर लीव्स, वो भी हम यूज़ करते हैं बहुत सारे काम के लिए। तेंदू लीव्स एंड लीव्स ऑफ बाहुमिया एसपी, ये जो चीज़ें होता है ये सब हम यूज़ करते हैं जो फॉरेस्ट से ही मिलता है। नेक्स्ट क्या है, लैक एंड अदर प्रोडक्ट। लैक इज ए रेजिनस सेक्रेशन ऑफ इंसेक्ट विच फीड ऑन फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री से ही हम ये कलेक्ट करते हैं। हनी, जो भी हनी हम यूज़ करते हैं, हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी फॉरेस्ट में ही प्रोड्यूस होता है। फूडर एंड ग्रेजिंग, इसके लिए भी हम फॉरेस्ट को यूज़ करते हैं। जैसे 39% ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन डिपेंड ऑन फॉरेस्ट ग्रेजिंग एंड लीफ फूडर सप्लाई। तो फॉरेस्ट में हम ग्रेजिंग पर्पस भी यूज़ करते हैं। जैसे केन के लिए, केन्स और रत्नस आर द स्टेम्स ऑफ ए क्लिम्बर प्लांट, जो हम ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आर यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ हाउस होल्ड आइटम, बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम बनाने के लिए भी हम ये सब रत्नस और स्टेम जो होता है ये सब यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक वॉकिंग स्टिक, बास्केट, पिक्चर फ्रेम, स्क्रीन मैट, ये सब बनाने के लिए ये केन यूज होता है मेनली। वॉकिंग स्टिक, बास्केट बनाने के लिए, पिक्चर का जो फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम होता है, वो बनाने के लिए, स्क्रीन एंड मैट, ये सब बनाने के लिए ये केन यूज होता है। तो अब तक हमने पूरा डिस्कस कर दिया है प्रोडक्टिव रोल। तो प्रोडक्टिव रोल के अंदर हम फॉरेस्ट से क्या क्या लेते हैं वो सब है प्रोडक्टिव रोल के अंदर। मेनली टिम्बर एंड वुड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उनके साथ साथ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत काम के लिए यूज़ होता है। एंड कौन कौन से पर्पस, हम कौन कौन सा ट्री यूज़ करते हैं वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव रोल, फॉरेस्ट एज अर्थ एयर प्योरीफायर। तो फॉरेस्ट अर्थ के एयर प्योरीफायर के रूप में भी यूज़ होता है। जैसे फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ पौधे होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने अंदर एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। तो
एयर को प्यूरिफाई करते हैं फॉरेस्ट मेनली। तो फॉरेस्ट इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट फॉर्म एन इफेक्टिव सिंक फॉर द CO2 प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एनिमल रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, वोल्केनोस एंड अदर नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड फेनोमेना, एंड ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन। तो जो CO2 होता है, जो प्रोड्यूस होता है एनिमल रेस्पिरेशन से, फॉसिल फ्यूल बर्निंग के वजह से, वोल्केनोस ये सब चीज के वजह से, तो वो CO2 ये लेता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ऑक्सीजन वो ट्रांसफर करते हैं हमारे अर्थ में। तो इसलिए फॉरेस्ट एज ए अर्थ एयर प्यूरिफायर के हिसाब से भी जाना जाता है, एंड फॉरेस्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजन फॉरेस्ट आर द अर्थ एयर प्यूरिफायर। फॉरेस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द CO2 बैलेंस इन द एटमोसफियर। तो एटमोसफियर में जो CO2 बैलेंस, उसको मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फॉरेस्ट मेनली एज अर्थ एयर प्यूरिफायर यूज होता है, मतलब काम करता है। जो CO2 होता है वो उसको अपने अंदर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, एंड ऑक्सीजन वो अर्थ में देते हैं। इसकी वजह से अर्थ में जो अच्छा जो गैसेस है वो आते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्लाइमेट एमिलियोरेशन। फॉरेस्ट इंक्रीजेस लोकल प्रेसिपिटेशन बाय अबाउट 5-10% ड्यू टू देयर एटमोस्फेरिक एंड माइक्रो क्लाइमेटिक इफेक्ट, एंड क्रिएट कंडीशन फेवरेबल फॉर द कंडेंशन ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड बनाने के लिए जो कंडेंशन होता है, जो चीज़ें ज़रूरी होता है, वो भी फॉरेस्ट ही बनाते हैं। एंड जो लोकल प्रेसिपिटेशन फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन और दूसरे जगह से ज़्यादा होता है, तो ये भी फॉरेस्ट के वजह से ही होता है। एंड माइक्रो क्लाइमेटिक इफेक्ट, इनके वजह से एटमोसफियर में फॉरेस्ट से ही बनता है। फॉरेस्ट रिड्यूस टेम्परेचर एंड इंक्रीज ह्यूमिडिटी। तो फॉरेस्ट जो है टेम्परेचर रिड्यूस करता है एंड ह्यूमिडिटी इंक्रीज करता है। इट ऑल्सो रिड्यूस इवापोरेशन लॉसेज। ऑब्वियसली इवापोरेशन लॉसेज भी फॉरेस्ट की वजह से ही कम होता है। फॉरेस्ट रहता है इसलिए जो सन है वो इवापोरेट ज़्यादा नहीं कर पाता है। तो क्लाइमेटिक पर्पस के लिए फॉरेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे बारिश होने के लिए, क्लाउड फॉर्मेशन के लिए, टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए, एवोपोरेशन लॉस के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। फॉरेस्ट मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉयल थ्रू एडिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉयल बनाने के लिए भी फॉरेस्ट यूज होता है। सॉयल को एक जगह पे अटक के रखना, ये फॉरेस्ट का मेन काम है। पेड़ पौधे की वजह से सॉयल एक जगह से और एक जगह पे नहीं चले जाते हैं, एंड उसी जगह पे रहते हैं। एंड फॉरेस्ट का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो भी फॉरेस्ट ही मेंटेन करता है। फॉरेस्ट का जो सब पत्ते लीव्स वगैरह होता है वो सॉयल के ऊपर गिरते हैं, एंड वो जाके सॉयल को उसके बाद प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट भी सॉयल में आते हैं फॉरेस्ट की वजह से ही। ट्री क्राउन रिड्यूस द वायलेंस ऑफ रेन एंड चेक फ्लैश इरोशन। जो ट्री जो क्राउन होता है, मेनली रेन फॉरेस्ट एरिया में हम देखते हैं, तो उसकी वजह से रेन का वायलेंस इतना ज़्यादा नहीं होता है। मतलब रेन डायरेक्टली सॉयल के ऊपर नहीं गिरता है, एंड सॉयल एक जगह से और एक जगह पे नहीं चले जाते, मतलब सॉयल इरोशन ज़्यादा नहीं होता है। इंक्रीज द इन्फिल्ट्रेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉयल। सॉयल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो भी ये इंक्रीज करता है फॉरेस्ट के वजह से ही। फॉरेस्ट चेक फ्लड। फॉरेस्ट की वजह से फ्लड भी कम होता है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फिजिकल, केमिकल एंड नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन भी फॉरेस्ट की वजह से कम होता है। फॉरेस्ट एंड ट्री प्रोवाइड शेल्टर टू एग्रीकल्चरल क्रॉप। तो एग्रीकल्चरल क्रॉप जब हम बनाते हैं कोई भी फील्ड में, तो जो सन होता है उनके डायरेक्ट जो हीट है उससे उस क्रॉप को बचाने के लिए हम बीच बीच में क्या करते हैं, बहुत सारे ट्री लगाते हैं, एंड ट्री के छांव के वजह से ही वो क्रॉप जो है वो बचते हैं। तो एज ए शेल्टर ये काम करता है बहुत सारे मेनली एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में, जहाँ पे सूरज का जो हीट है, सन हीट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उन सब जगह पर हम ज़्यादातर करके ये ट्री को एज ए शेल्टर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ट्री एक्ट एज ए हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट भी जो फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट लैंड ट्री रिड्यूस द विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी भी फॉरेस्ट लैंड रिड्यूस करते हैं। एंड हैबिटेट एज ए हैबिटेट वाइल्ड लाइफ के लिए ट्री होता है। तो वाइल्ड लाइफ जो है बहुत सारे एनिमल वगैरह ये सब फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ट्री में रहते हैं। इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सभी अपना जो हैबिटेट है, अपना जो
रहने का जगह है उसके लिए फॉरेस्ट को ही यूज करते हैं। अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी फॉरेस्ट यूज होता है एंड प्रोडक्टिव काम में भी फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आई थिंक रोल ऑफ फॉरेस्ट आपको समझ में आ गया है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कौन कौन से काम के लिए यूज होता है, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ कैसा है, प्रोडक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या है, प्रोटेक्टिव रोल ऑफ फॉरेस्ट क्या क्या है, सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो अब हमें कमेंट करके बताएं। इफ दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।